हेलो रिच, वेलकम बैक माई वीडियो। मैं सुवर्ण, आप देख रहे हैं सर मेंटोर। तो आज के वीडियो में आप कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है, बताऊंगा ठीक है ठीक गाइज। तो वीडियो पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। क्या है तो सबसे अपने फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लाइट वाले एडजस्ट में, देन इसके बाद करेंगे एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज, देन कंट्रास्ट को माइनस की तरफ ले जाएंगे एंड हाईलाइटेड को पूरी कम कर देंगे, शैडो को करेंगे इंक्रीज, देन उसके बाद वाइट को करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज, देन ब्लैक को थोड़ा सा कम, ठीक है गाइज। एंड फिर से थोड़ा सा हम कंट्रास्ट चेक कर लेते हैं, देन हाइट लाइट। उसके बाद हम जाएंगे थर्मामीटर वाला आइकन पे गाइज, जिसमें हम अपने कलर को एडजस्ट करेंगे, देन इसके बाद हम करेंगे वाइब्रेशन को इंक्रीज, उसके बाद हम चले जाएंगे मिक्स वाले टूल में, देन उसके बाद हम करेंगे येलो वाले कलर का सिचुएशन माइनस की तरफ, देन ग्रीन का भी वही, ठीक है। देन उसके बाद सियान कलर का थोड़ा सा सिचुएशन को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज एंड ब्लू को इंक्रीज एंड पर्पल को भी कर लेंगे इंक्रीज। देन उसके बाद हम करेंगे थोड़ा फेस कलर को सिचुएशन माइनस एंड देन लुमिनस थोड़ा सा इंक्रीज, क्योंकि पहले से फ़ोटो ब्राइट है। देन उसके बाद हम कर लेंगे डन। उसके बाद जाएंगे हम बॉक्स वाले आइकन पे, थोड़ा सा हम बिगनेट को ऐड करेंगे गाइज, ठीक है। एंड इसके हम फेदर को पूर्ण इंक्रीज कर देंगे अराउंड 97 के अराउंड, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे हम त्रिकोण वाले ऑप्शन पे, जिसमें हम शार्पनिंग देंगे थोड़ा सा एंड थोड़ा सा मास्किंग, नॉइज़ रेडिएशन एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट नॉइज़ रेडिएशन एंड स्मूथ। उसके बाद हम फिर से जाएंगे थर्मामीटर वाले आइकन पे गाइज, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जाके अपना वो हम मिड टोन एंड हाईलाइट को देखेंगे, तो हम जाएंगे ये तीन गोल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एंड यहाँ से हम कर लेंगे शैडो को थोड़ी सी ब्लू टोन की तरफ, हल्की सी डाउन की तरफ ले लेंगे गाइज, ठीक है। वो ब्लू या सैन बोलो आप, वहाँ पे हम ले जाएंगे, ठीक है, बस, ठीक है। एंड इसके बाद हम चले जाएंगे मिड टोन में, मिड टोन जो बीच वाला सर्कल है उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है। एंड मिड टोन को हम थोड़ा सा करेंगे वार्म की तरफ हल्का सा, ठीक है। देन उसके बाद हम चले जाएंगे हाईलाइट वाले ऑप्शन पे, और इसमें भी हम थोड़ा वार्म ही देंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद हम चले जाएंगे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन में, बिफोर देन आफ्टर आप देख सकते हैं गाइस। एंड हम जाएंगे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन में, देन उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रश वाले ऑप्शन लेंगे, प्लस वाला आइकन पे जाके, देन उसके बाद हम करेंगे हेयर पर, हेयर को सिलेक्ट, ठीक है। तो इधर उधर टच हो जाता है गाइज, कोई ना, हम हेयर को कर लेंगे सिलेक्ट। हम यहाँ पे यही करेंगे गाइज कि हेयर को कलर को थोड़ा सा हम डार्क करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने सिलेक्ट करके ही डार्क कर सकते हैं। आप इजली स्नैपचीट एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं इसको, बट मैं लाइटों में कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिव ऐप की एक ही एप्लीकेशन में आपको हम एडिटिंग बता सकूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है। देन हम थोड़ा सा एक्सपोजर को डिक्रीज करेंगे गाइज, ठीक है, एंड थोड़ा सा हाईलाइट को भी कम कर लेंगे, एंड देन ब्लैक को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देख सकते हैं गाइज बिफोर देन आफ्टर, यहाँ से पहले हम डन कर लेंगे गाइज, उसके बाद हम बिफोर देन आफ्टर देख सकते हैं गाइज, क्या ही मस्त लुक ओपन हो चुकी है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा बिगनेट हो सके तो और ऐड कर सके क्लियरिटी देके, क्योंकि क्लियरिटी थोड़ा फोटो में कम था, डीएच को इंक्रीज कर देंगे जिससे डार्क डार्क थोड़ा आ जाए और फोटो और फेबलेस लगे, मतलब बेस्ट लगे, ठीक है। देन इतना ही था वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो में मैं अपनी अनुसार से पूरी चीज़ अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करेगा गाइस, क्योंकि कमेंट करने से मेरी कुछ अंदर से फीलिंग आती है कि आप लोग को कुछ बताया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।